Welcome to speeddining.com. ऑप्शन के लिए हम लोग एक स्पेशल कॉम्बिनेशन आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये हर महीने आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप फास्टेस्ट स्टॉक में जाते हैं, mutualfundsindia.com में, वहां पता लगता है कि फरवरी के मंथ में इंस्टीट्यूशन ने कौन से स्टॉक्स को सबसे ज्यादा बाय किया है। तो वहां पे अभी रिसेंटली नजर आ रहा था आइडिया, टाटा स्टील, पावर ग्रिड। तो आइडिया, टाटा स्टील, पावर ग्रिड में हम पोजीशन बना सकते हैं। एक्चुअली जो लोग कैपेबल है वो तीनों में एक साथ पोजीशन बना लेंगे, जिनको जो कैपेबल नहीं है वो इसमें से किसी एक पोजीशन को चुन सकते हैं। ये एडवाइजरी या टिप की तरह नहीं देखें इसको, इसको समझने के लिए बात हो रही है कि हम कैसे किसी स्टॉक को नए, अगर निचले लेवल पे है तो किस तरीके से उसका सेफ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो सेफ कॉम्बिनेशन कैसे हो जाएगा, हम स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रेड के इस्तेमाल में अब जैसे आपने देखा 15-16 तारीख हो गई है, अगर हम कॉल और पुट का कॉम्बिनेशन खरीदते हैं तो डाउट इस बात का है कि प्रीमियम बहुत तेजी से नीचे चली जाए, और हो सकता है हम 10 का कॉल 5 का पुट ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बना रहे हैं 15 का, और वो घट के 12 या 10 दिखने लगे। तो हम क्या करेंगे कि बाजार निचले लेवल पे आया है, ये स्टॉक्स भी अच्छे से करेक्ट हो चुके हैं, ये कोई बहुत ही डेंजरस लेवल नहीं है खरीदने के लिए। तो टाटा स्टील सपोज 625-630 है, तो 640 का कॉल हमने बाय किया और 660 का कॉल शॉर्ट सेल करके रख दिया। अब जब बाजार चलेगा तो 640 का कॉल चलेगा तो 660 का कॉल भी चलेगा। एक तरफ आपको फायदा हो रहा है जो कि बड़ा है, एक तरफ आपको थोड़ा नुकसान हो रहा है जो कि थोड़ा छोटा है। बाद में जब आपको ऐसा लगे कि हाँ मेटल सेक्टर क्लियरली बुलिश है, 1% से ज्यादा प्लस है, 0.5% से ज्यादा प्लस है, और बाजार भी निफ्टी भी सपोर्ट कर रही है, अब इसमें से खतरा टल चुका है, तो जैसे जैसे हमको ये महसूस होने लगे वहां पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमने शॉर्ट सेल कर रखा है 660 का कॉल, उस पोजीशन को क्लोज कर लेंगे और फिर से कहीं हायर लेवल पे अगर वो अपना हाई, अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो फिर से उसकी सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी, अदरवाइज हम 640 के कॉल में वेट करेंगे। एक ऑर्डर इधर लगा के रख लेंगे 660 के कॉल में कि वो लो के नीचे जैसे ही जाएगा, एवरेज के नीचे जैसे ही जाएगा वहां पे हमारी सेलिंग एक्टिवेट हो जाएगी। अब 640 का कॉल अगर बढ़ता चला जा रहा है ऊपर की तरफ तो धीरे धीरे आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, आप बुक करेंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगर तीनों शेयर्स में आपने पोजीशन बना रखी है, अब जैसे आइडिया की बात करें, आइडिया 80 खड़ा है तो 82.5 का कॉल हमने बाय किया और 87.5 का या 90 का कॉल शॉर्ट सेल कर दिया। इसी तरीके से पावर ग्रेड में 200 का कॉल, वो 195 खड़ा है, हमने 200 के स्ट्राइक प्राइस वाला बाय किया और 210 वाला शॉर्ट सेल करके रख दिया। अब अगर आने वाले एक दो दिन और गिरावट आती है तो पास वाला कॉल गिरेगा, दूर वाला भी कॉल गिरेगा, तो दूर से जो गिरावट आएगी वो सपोर्ट कर देगी आपको इस झटके को झेलने के लिए। अगर ये नीचे जाते हैं और आपको सेलिंग वाले साइड में प्रॉफिट मिलता है आप उसको बुक करेंगे, और बाइंग वाली साइड में स्टॉप लॉस लगा के वेट कर सकते हैं, या दो पोजीशन खाली करके किसी एक पोजीशन में बगैर स्टॉप लॉस के भी वेट कर सकते हैं, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक सेफ लेवल पे हम लोग खड़े हैं। इससे निकलना तभी है जब निफ्टी नए सिरे से अपने निचले लेवल तोड़ने लगे, जब आपको ऐसा लगने लगे कि निफ्टी में फिर से 50 पॉइंट से ज्यादा की गिरावट है, तो हम कहेंगे कि वो कॉल जो भी आपके पास रखा है उसको सेल कर दीजिए और एवरेज हाई के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के फिर से वेट करने लग जाइए। सपोज आपने कोई कॉल खरीदा है 6 रुपए में, 6 प्रीमियम है उसका, और अब वो 4.5 दिख रहा है और निफ्टी माइनस जा रही है, सेक्टर भी माइनस जा रहा है, तो 4.5 पे आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया अभी और 6 के ऊपर स्टॉप लॉस बाइंग लगा के बैठ गए। अगर बाजार गिरता चला जाएगा तो 4.5 से वो 3.5 या 3 आ जाएगा, जब बाजार पलटेगा उसी कॉल को हम 3 रुपीज पे, 4 पे,
फाइव पे कहीं पे भी लेंगे लेकिन क्लेरिटी पे लेंगे तो वो 7-8 चला जाएगा और आपका जो लॉस है वो भी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी हो जाएगा। कॉल पुट के मामले में बहुत जरूरी है कि 10,000 का 9,000 या 1,00,000 का 80,000 भी आपके हाथ में अभी आ जाए तो वो कैपिटल बची रहनी चाहिए। बाकी रिकवरी तो 20-30% की बड़ी आसानी से हो सकती है, इवन 50% की रिकवरी भी हो सकती है। प्रॉब्लम ये होती है लोगों का कैपिटल ही खत्म हो जाता है क्योंकि लॉस बुक करना वो जानती नहीं है और हर दिन उनकी कैपिटल आधी 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 होते होते पूरा प्रीमियम ही गल जाता है। तो इसको देखिए प्रैक्टिकली, जो लोग ऑप्शन में काम नहीं कर सकते हैं वो लोग शॉर्ट टर्म में स्टॉक अकुमुलेट करके पोजिशन बना सकते हैं। आप अपनी क्षमता में ही पोजीशन बनाइए और एक्सपेरिमेंट कीजिए, ये सीखने के लिए कीजिए। यहाँ पे हम किसी तरह का टिप या एडवाइस आपको नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये समझा रहे हैं कि बाजार के गिरावट के लेवल में कहाँ से हम टेक्निकली या फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को देखें और उनमें सेफ तरीके से अपनी पोजिशन कैसे बनाएं कि आसानी से प्रॉफिट बन सके। इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कंट्रीब्यूट कीजिए हमारी इस वर्किंग में ताकि हम आगे आने वाले लंबे समय तक आपको अच्छे से अच्छे सॉल्यूशंस दे सकें और उसका फायदा लाइफ लॉन्ग आप उठा सकें। www.speedearning.in WhatsApp @3810213416 बाय। थैंक यू।